जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है। अतः इनकी भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। शिव जी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शिव पुराण के अनुसार एक ऐसा उपाय जिसे यदि आप रोज करते हैं तो जिस तरह भगवान शिव ने कुबेर को आशीर्वाद दिया था और उन्हें अक्षय की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह हर मनुष्य के जीवन में भी अक्षय की प्राप्ति होती है। धन की कभी भी जीवन में कमी नहीं होती है। जीवन हमेशा ही सरल, सुलभ और आसान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, शिव पुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शिव जी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी हुई रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। इस पुराण में कई चमत्कारी उपाय भी हैं जो हमारे जीवन को धन से संबंधित समस्याओं को तो खत्म करते हैं, साथ ही अक्षय पुण्य भी प्रदान करते हैं। इन उपायों से पिछले पापों का भी नाश होता है और भविष्य सुखद बनता है। यदि आप भी भगवान शिव जी की कृपा से धन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज जो मैं उपाय बता रही हूँ, इस आसान से उपाय को रोज रात में जरूर करें, साथ ही इसके पीछे की कथा को भी आप जरूर जानें। दोस्तों, पुराने समय से ही कई ऐसी परंपराएं प्रचलित हैं जिनका पालन करने पर व्यक्ति की सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इन प्रथाओं का पालन न करने पर कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक परंपरा है कि प्रतिदिन रात्रि के समय शिवलिंग के समक्ष दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस उपाय के पीछे एक प्राचीन कथा भी है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में कुन निधि नामक व्यक्ति बहुत ही गरीब था और वह भोजन की खोज में लगा हुआ था। इस खोज में रात हो गई और वह एक शिव मंदिर में जा पहुंचा। कुन निधि ने सोचा उसे रात्रि विश्राम इसी मंदिर में कर लेना चाहिए। रात के समय वहां अत्यधिक अंधेरा हो गया था। इस अंधकार को दूर करने के लिए उसने शिव मंदिर में अपनी कमीज जलाई। रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष प्रकाश करने के फलस्वरूप उसे उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव का पद प्राप्त हुआ। इस कथा के द्वारा आप इस बात को समझ सकते हैं, शाम के समय या फिर मध्य रात्रि में शिव मंदिर में दीपक लगाने से व्यक्ति को अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अतः नियमित रूप से रात्रि के समय किसी भी शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। शिव जी के पूजन से श्रद्धालुओं की धन से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शास्त्रों में अन्य सटीक उपाय भी हैं जिसे यदि आप नियमित रूप से अपनाते हैं तो व्यक्ति को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस उपाय के साथ ही प्रतिदिन सुबह के समय शिवलिंग पर जल, दूध, चावल और अन्य पूजन सामग्री भी आप अर्पण कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।